ब्रज का नुकसान होता है, ब्रज की संस्कृति का नुकसान होता है। हमने यात्रा जो उठाई इसलिए उठाई कि आज भी ब्रजवासी दाता है, ये सबको पता लग जाए। दुनिया के लोग आते हैं कहते हैं ब्रजवासी मांगता है, बदनामी है ब्रज की, ब्रजवासियों की, जबकि ब्रजवासी ऐसा दाता है जिसके द्वार पर श्री कृष्ण मांगते हैं। गोविंद स्वयं कहते हैं महादानी, बैठ जाओ सुनाते हैं एक पद इसी बात पर। श्याम सुंदर आते हैं इस बरसाने में भीख मांगने आते हैं, और ब्रजवासी ऐसा बड़ा दाता है जिसके दरबार से ब्रह्म मांगता है। देखो हमारे यहां ये लड़कियां हैं 116 125 के आसपास, ये गांव में जाती हैं प्रचार करती हैं। 30,000 गांव में कीर्तन की फेरी चल रही है और एक पैसा भी कोई लड़की नहीं दे सकती है, अगर लेगी तो हम मानगढ़ से हटा देंगे। कुछ नहीं लेती है क्योंकि तुम ब्रजवासी हो, तुम किसी से क्या लोगे। ब्रजवासी तो वो है महादानी वृषभानु किशोरी। श्याम सुंदर आए हैं और राधा रानी के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं हे महादानी राधे, तुमसे बड़ा दाता कौन है, तेरे द्वार पर कृपा मांगने आए हैं। ये है बरसाना महादानी वृषभानु किशोरी, कृपा अवलोकन दान दे। आतुर त्रिषित नयन चकोर मेरे, बदन किरण इंदु बदन पान दे। तुम्हारा मुख चंद्रमा है और हमारे नेत्र चकोर हैं, आप दर्शन दो और चकोर को चांदनी मिल जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। चकोर चांदनी में चांद की किरणें पीता है, आकाश उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, चांदनी में चांद की किरणें पीते पीते जब चांद नहीं मिलता है तो वहां से उतरता है और अग्नि अंगार, अंगार कहते हैं समझो अंगार, जलता हुआ कोयला, बिरह में उसको खा लेता है, मर जाता है और बिरह में केवल चांदनी का चांद की किरणों को पीता है। तो वही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अगर दर्शन नहीं दोगे तो हमको अग्नि पान करना पड़ेगा। आतुर नयन चकोर त्रिषित मेरे, बदन इंदु कर्ण किरण पान दे। तू है सुगल सुजान सुंदरी, बिनती सुनिए कान दे। गोविंद प्रभु प्रिय चरण परस कहे, ऐसा कहकर गोविंद राधा रानी के चरणों में गिर पड़े। गोविंद प्रभु प्रिय चरण परस कहे, मौजाचक को मान दे। महादानी वृषभान किशोरी, कृपा अवलोकन दान दे। भाई हम तो भक्त हैं नहीं, न भक्त थे न है न होंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि बरसाने को बदनाम नहीं करते, इसलिए पैसा नहीं लेते हैं।
और पैसा ना लेने पर भी राधा रानी पूरा कर रही है, चाहे 10,000 नहीं 15,000 चाहे 1,00,000 आदमी आ जाओ, यहां घाटा नहीं है। ऐसा भाव सबके अंदर आ जाए, अगर सबके अंदर आ जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा। यहां जैसे मान मंदिर में चमत्कार है, हमारे पास पैसा नहीं, धेला नहीं, कितना आदमी आ जाओ घाटा नहीं, सब राधा रानी दे रही, जाने कहां से दे रही इनको पता नहीं। और जबकि यहां के विरोधी बहुत हैं, ये विरोधी हैं, पैसा लेते हैं, और मान लो तुमने इकट्ठा कर लिया लेकिन बदनाम भया ब्रज, बदनाम भया बरसाना, और धर्म की शक्ति घट गई। गौशाला के ऊपर विरोधी ने मुकदमा लगा दिया, आगरा में केस गया, कानपुर में केस गया, ये हिंदू हैं, हिंदू ने हिंदुस्तान का नाश किया, हम लोगों ने ही नाश किया धर्म का, हिंदू सनातन धर्म का, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन श्री जी सब काम ठीक कर रही, बस हो गया भाई, और कह लो, बोलो, माइक दे दो भाई। जो पुराने यात्री हैं वो जानते हैं, नए जो आए हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पर राधा रानी बैंक का बैंक खोली गई है। आप अपने पास जो कुछ पैसा रखे हुए हैं उसको जमा कर दें, नहीं तो ऐसे भी लोग रहे आते हैं जो पीछे से खकोर करके और उसको निकाल लेते हैं, आप जहाँ भी कहीं जाएंगे और उसमें से चुरा लेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास शिकायत आती है कि हमारे 4,000 चले गए, हमारे 5,000 चले गए। अरे भाई पहले से ही आप जमा कर दीजिए, आपको कार्ड मिल जाएगा, उसमें आपके पैसे चढ़ा दिए जाएंगे, जब आपको ज़रूरत पड़े 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये निकाल लीजिए, वो कम हो जाएगा, बाकी का आपका जो रहेगा वो सब आपको नियुक्त मिल जाएगा। आपकी सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई है, और फिर भी आप अपने ऊपर ही जिम्मेदारी लेकर के फिर रोते हैं कि हमारा पैसा चला गया, वो ठीक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये बैंक में खाता जब भी खुलेगा, जब पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे, नाम लिखा देंगे, नाम नहीं लिखा पाएंगे तो फिर उससे पहले जो है खाता नहीं खुल पाएगा। तो दोनों काम करिए, पहले नाम लिखाइए और फिर उसके बाद में अपना खाता खुलवा करके पैसा जमा कर दीजिए। जय श्री राधे। जय अनिता, जानिता गौर हरि बोल। देखो बैंकर